all, welcome to this session of previous year solved questions on surface chemistry. Let us start from NEET 2019. इसमें question आया था कि which mixture of the solution will lead to the formation of negatively charged colloidal AgI I- sol. और हम लोगों को option में चार जो है अलग अलग सॉल्यूशंस अलोंग विद द कॉन्सेंट्रेशंस दिया हुआ था. अब हम लोग को समझते हैं कि जनरली जो चार्ज प्रेजेंट होता है ऑन द कोलाइड, इट इज ड्यू टू द एडसॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम डिस्पर्शन मीडियम. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सारे के सारे जो भी हमको डिस्पर्शन मीडियम्स दिए हुए हैं उनके मिलीमोल्स कैलकुलेट करते हैं. और मिलीमोल्स क्या होते हैं? मिलीमोल्स इज एम इंटू वी एम एल. तो सबके लिए अगर सपोज हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलीमोल्स मिल रहे हैं 50 इंटू 1.5 विल बी इक्वल्स टू 75, 50 इंटू 0.1 इज 5, 50 इंटू 1.5 इज अगेन 75 एंड 50 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 100. तो सबसे ज्यादा मिलीमोल्स किसके लिए है? सबसे ज्यादा मिलीमोल्स है ऑप्शन डी के लिए. तो ऑप्शन 4 में हम इसको सॉल्वेंट मानेंगे. तो देयरफॉर वी हैव AgNO3 प्लस KI गिव्स AgI प्लस KNO3, जहां पर हमारा AgNO3 जो है दैट विल बी डिस्पर्स्ड फेस ये होना चाहिए डिस्पर्शन मीडियम. ये होना चाहिए नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स. ओके, और इसीलिए क्योंकि ये सबसे बेटर सॉल्वेंट रहेगा हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 4. नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं नीट 2018 से. इसमें क्वेश्चन था ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड. हमें पता है कि जो भी कोएगुलेशन होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, अगर सपोज हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करके कोएगुलेशन करना चाहते हैं तो वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. तो वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलाइडल पार्टिकल. अगर कोई भी कोलाइडल पार्टिकल है ये हमारा, उसके ऊपर कितना चार्ज है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर प्लस वन है कि अगर चार्ज जो है प्लस टू है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज माने जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसके हिसाब से. वी वर रिलेटेड टू हार्डी-चोल्स रूल के बारे में बात कर रहे हैं. सिमिलरली ये उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है. माने अगर सबको समझो बात करें कि कोएगुलेटिंग पावर किस चीज़ की, अगर सपोज कोएगुलेशन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है और साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जाहिर बात है तो जो कोएगुलेटिंग पावर है इलेक्ट्रोलाइट की वो भी इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए. और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए आंसर 1, दैट इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम बुक नीट 2017 से. इसमें पूछा था इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. और स्टेटमेंट्स दिए थे कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन. सेकंड था द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम. थर्ड एंजाइम्स कैटलाइज मेनली बाय केमिकल रिएक्शंस. और फोर्थ कोएंजाइम्स इंक्रीजेस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. अब हम लोग को पता है कि एक जो कैटलिस्ट होता है इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन. वो करता क्या है कि जो भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैटलिस्ट जो है वो लोअर डाउन करता है. सो जो कैटलिस्ट है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ा देगा. दैट मीन्स इट विल Try to bring the equilibrium more rapidly, है ना, equilibrium अचीव करने के लिए मदद करेगा. But उसके कारण जो हमारा K का वैल्यू है या dissociation constant है या equilibrium constant है, equilibrium constant does not change, equilibrium constant कभी भी change नहीं होगा.
तो इन चारों स्टेटमेंट में पहला वाला था कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है, वो सिर्फ मदद कर सकता है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ये गलत है, ये कभी भी जो है इक्विलिब्रियम में क्या नहीं करता है, जो भी हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, उसको उसको चेंज नहीं कर सकता। थर्ड वाला एंजाइम्स कैटलाइज मेनली बाय केमिकल रिएक्शंस, ये भी करेक्ट है। और फोर एंजाइम्स इंक्रीजेस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, ये भी सही है। यानी आउट ऑफ दिस फोर हमारा आंसर होना चाहिए टू, विच इज नॉट करेक्ट। अब बात करते हैं नीट 2016 के फेज वन की बात करेंगे। इसके अंदर दो क्वेश्चन आए थे। पहला वाला क्वेश्चन हम ढूंढ लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद एडसॉर्प्शन, और चार ऑप्शन में डेल्टा जी डेल्टा एच का वैल्यूज दिया हुआ है। पहले तो ये चीज समझते हैं कि एडसॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप होता है। देयर इज अ कलेक्शन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सर्फेस ऑफ द अदर, है ना, जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा, एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, एक दो अगर एक्सेप्शन छोड़ते हैं तो सारे के सारे एडसॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, यानी देयर विल बी लिबरेशन ऑफ हीट। और तीसरा, ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन द रेसिडुअल फोर्सेस आर बैलेंस्ड इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी। मतलब ये कि जब भी हम लोग देखते हैं सरफेस फिनोमेना पे, तो यहाँ वाला जो पार्टिकल है दैट एक्सपीरियंसेस अ रेसिडुअल फोर्स, इसके ऊपर इधर से कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो जब कोई फॉरेन बॉडी यहाँ पे आके इसके ऊपर जो है एड्सॉर्ब होगी, कलेक्ट होगी, तो दिस रेसिडुअल फोर्स विल बी बैलेंस्ड, है ना, और इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब हम इन तीनों को का जो है हम लोग यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। पहले तो एडसॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, तो अगर एडसॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब आपका डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन जीरो, यानी निगेटिव। सिमिलरली एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है तो आपका डेल्टा एच भी लेस देन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, हीट इज इवॉल्व गिवन आउट। एंड ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन द रेसिडुअल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीजेस, और अगर एंट्रोपी डिक्रीज होता है तो डेल्टा एस मस्ट आल्सो बी इक्वल्स मस्ट बी लेस देन जीरो, यानी वो भी नेगेटिव होना चाहिए। तो एडसॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी डेल्टा एच और डेल्टा एस सारे ही नेगेटिव होने चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर टू। हम लोग नीट 2016 का ही फेज वन का सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो बोलता है फॉग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, तो अगर सपोज हम लोग फॉग के बारे में जानना चाहते हैं तो फॉग इज एन एरोसोल, और इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड यानी वाटर एज डिस्पर्स फेज और गैस यानी एयर एज डिस्पर्शन मीडियम, और इसीलिए इसका आंसर हमारा होना चाहिए वन। सो फॉग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग नीट 2016 फेज टू से। इसमें एक ही क्वेश्चन आया था, the coagulation values in millimoles per liter of the electrolytes used for the coagulation of As2S3 are given below. NaCl का वैल्यू दिया था 52, coagulation के लिए coagulating values दिया था 52, PaCl2 का दिया था 0.69, MgSO4 का दिया था 0.22, और मैं पूछा था the correct order of their coagulating power is. हमें पता है कि हमेशा ही कोएगुलेटिंग पावर जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू और कोएगुलेशन नंबर, यानी जिसका जितना ज्यादा कोएगुलेशन वैल्यू होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर उतना ही कम आना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर जिसका कोएगुलेशन वैल्यू सबसे कम होगा यानी MgSO4, फिर BaCl2 और फिर NaCl होना चाहिए। सो ये जो कोएगुलेटिंग पावर है उसका ऑर्डर होना चाहिए 3 > 2 > 1, यानी हमारा ऑप्शन मार्क होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं AIPMT 2015 से, क्योंकि 2015 में नीट नहीं हुआ था।
And the question was, which property of the colloidal solution is independent of charge on colloidal particles? Options थे Tyndall effect, coagulation, electrophoresis और electroosmosis. अगर सपोज हम तो अच्छे से देखते हैं तो जो हमारा Tyndall effect है that is due to scattering of light. Whereas electrophoresis will depend upon electrical charge. Okay, coagulation will again depend upon positive or negative charges. And electroosmosis, electro word जुड़ा हुआ है electro under the influence of electric field, ये भी electrical charge पे depend करेगा. The scattering of light will always depend upon scattering of light. क्या scattering of light is an optical property. Electrical charge, electrophoresis, electrical property, electroosmosis and electrical property. Coagulation is also an electrical property. And ये जो scattering of light है, that will depend upon size of particle. It will not depend upon charge. And that's the reason why हमारा answer होना चाहिए था option 1. That's all in this session. Thanks for watching. Let's meet in next session.